गुड मॉर्निंग क्लास जूनियर केजी में आज हम मैथ स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको पैटर्न सिखाई, 1 to 5 ओरल करना सिखाया और हमने 1 राइट कर किया था, 1 लिखना सिखा था। आई होप आप लोगों ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक है। तो आज एक बार फिर से हम 1 रिवाइज करेंगे। एक और मैं आपको एक सूचना दे देती हूँ कि अभी थोड़े दिनों में आपके पास इसकी वर्कशीट आ जाएगी, तो आपको उसकी वर्कशीट में अच्छे से प्रॉपरली उसको वर्कशीट को फिल करना रहेगा। जितनी वर्कशीट की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए ही फायदा रहेगा, ठीक है। अभी आपको उसके लिए कोई बुक लाने की जूनियर केजी में ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो हम यहाँ से बताएंगे। और मैंने बताया उस तरह से कि आप वो स्क्वायर वाली नोटबुक तो लाए गए होंगे, उसी में प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं है तो प्लीज़ पहले वो स्क्वायर वाली बुक ला दीजिए, या फिर उसकी कंपल्सन नहीं बोल रही हूँ बट वो होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपके बच्चों को परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं है, घर पे ही बुक पड़ी है तो उसमें स्क्वायर बना दीजिए तो उनको उसमें लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो हम एक बार फिर से ओरल 1 to 5 करेंगे, ठीक है। How many balls are there?
फोर फाइव वेरी गुड, सबने बॉल्स मेरे साथ काउंट किए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? हाउ मेनी बॉल्स? वन बॉल्स। ये नीचे वाली लाइन में कितने हैं? वन टू। कितने बॉल्स हैं? टू बॉल्स। नीचे वाली लाइन में हम बॉल्स काउंट करेंगे, वन टू थ्री। कितने बॉल्स हो गई ये? थ्री बॉल्स। अभी उसके नीचे वाली लाइन में बॉल्स काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर। कितने बॉल्स हो गई ये? फोर बॉल्स। अभी उसके नीचे वाली लाइन में काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। वेरी गुड। अब हम कल हमने वन लिखना सीखा था, वन राइट करना सीखा था, उसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैं बॉक्स बना देती हूँ। ये क्या है? फुटबॉल। हाउ मेनी फुटबॉल? वन। हाउ मेनी? वन फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हो गया। अब हम इसको वन को लिखना सीखेंगे। लिखना तो हमने पहले से वीडियो में सीख लिया है, फिर से इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। वन, सबसे पहली लाइन में मैं वन लिखूंगी, उसके नीचे हम फिर डॉट डॉट करके फिर उसको ट्रेस करेंगे, ठीक है? वन वन लिखते जाना है और उसके साथ उसको बोलना भी है, ठीक है? तो उसको आप रिकॉग्नाइज इजीली कर सकते हो। अभी मैं इसमें डॉट डॉट बना देती हूँ, फिर हम उस डॉट डॉट को ट्रेस करेंगे। वन वन बोलते जाना है और लिखते जाना है। वन 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 वन। पहले मैं डॉट डॉट बना देती हूँ, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, ओके? अभी मैंने यहाँ पे वन 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 बनाने के लिए डॉट डॉट कर दिए हैं, अब हम इसको जॉइंट करेंगे, ठीक है? अभी कैसे करना है? ऊपर से नीचे जाना है, याद है ना आप लोगों को? ऊपर से नीचे, वन वन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, वन 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 वन। फिर से करेंगे, वन वन वन। अभी उसके बाद वाली लाइन कंप्लीट करेंगे हम, वन वन वन। हो गया? आई होप आप मेरे साथ कर रहे होंगे, ठीक है? वन वन वन, हो गया ना कंप्लीट, ओके? अब हम एक बार फिर से वन की प्रैक्टिस करेंगे।
मैं फिर से हम लिखेंगे वन। अभी मैं पूरे पेज में फिर से एक बार डॉट डॉट कर देती हूँ, फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बोलो वन 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 वन। अभी हम इन डॉट्स को प्रेस करेंगे, अभी हम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए मेरे साथ वन 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 वन। तो हो गया हमारा वन। ठीक है, ओके, अब हम टू लिखना सीखेंगे। इसके लिए पहले मैं बॉक्स बना देती हूं। तो ये कितने बॉल हैं? चलो गिनते हैं हम। वन टू, कितने बॉल है ये? टू बॉल्स। तो हम यहां पर लिखेंगे टू बॉल्स। ठीक है, अब हम टू लिखना सीखेंगे। उससे पहले पेरेंट्स को बता देना चाहती हूँ मैं कि आप पहले, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि कोई भी नया वर्ड या फिर कोई नया नंबर्स आप उनको सिखा रहे हो तो आप उनको रफ पेज में या फिर स्लेट में या बोर्ड में उनको बड़ा करके दीजिए और उसके ऊपर उनको बोलिए कि वो उसके ऊपर ट्रेस करते रहे। ठीक है, जैसे कि ये आपकी स्लेट है तो उसमें वन बना रहे हैं वो, तो बड़ा सा वन बना दीजिए और उनको बोलिए चौक से कि उसको वन 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 वन। ठीक है, तो वो इजीली पहले बड़े बॉक्स में सिखाइए, मतलब बड़े बड़े सारी चीज़ों में सिखाइए, स्लेट वगैरह में। स्लेट नहीं है तो कोई रफ बुक है उसमें भी आप सिखा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप इन बॉक्स में सिखाओगे, वैसे तो हमने आगे पैटर्न्स वगैरह इनमें कर ली है तो वो यूज टू हो गए होंगे, पर फिर भी अभी उनको लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप उनको स्लेट वगैरह में लिखाइए तो वो इजीली वो चीज़ें लिख पाएंगे। अब हम टू लिखना सीखेंगे, तो सेम वैसे ही पहले आप उनको स्लेट में बेटा टू 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 ऐसे अच्छे से आपको टू टू ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी हम टू लिखना सीखते हैं। टू 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 हो गया। अब मैं टू का डॉट डॉट बना देती हूँ, उसके बाद हम उसको ट्रेस करेंगे। ओके, ये मैंने डॉट बना रही हूँ। पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों को ऐसे नोटबुक में डॉट बना कर दीजिए और फिर उनको बोलिए ज्वाइन करने को, तो वो इजीली टू बना सकेंगे। डॉट डॉट बने होंगे तो बच्चों को आसानी होगी लिखने में, उनका हाथ ठीक से मुड़ना सीख जाएगा। एक बार उनका हाथ बैठ गया तो उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में। ओके, हो गया। अब हम टू को ट्रेस करेंगे।
ओके, टू 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 टू, ऊपर से ही नीचे जाना है, नीचे से ऊपर नहीं लिखना है। मैं कैसे लिख रही हूं वो देखना है, फिर उसको लिखना है, ठीक है। अब हम टू को ट्रेस करेंगे, टू 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 टू, जहां जहां डॉट डॉट किए हैं वहीं वहीं पर ही लिखना है, ओके। टू टू, आई होप आपको टू लिखना आ गया होगा। अब हम बिना डॉट्स के टू लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं उसके लिए बॉक्स बना देती हूँ। बोलते जाना है और लिखना भी है, ओके। चलिए अब हम टू लिखेंगे। हाँ, तो पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि वो डायरेक्टली कौन से बॉक्स में लिखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो डायरेक्टली लिखना नहीं सीख पाएंगे कौन से बॉक्स में लिखना है। तो आप उसको उनके लिए क्या करना है, जिस बॉक्स में उनको लिखाना है उस बॉक्स में आप डॉट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ डॉट करेंगे, यहाँ डॉट करेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है बच्चों। जहां पर मैंने डॉट किया है हम वहीं पर भी टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू। अब हम लिखेंगे टू, चलिए टू 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 टू, ऊपर से नीचे जाते हुए लिखना है। क्या लिखना है, टू 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 टू, प्रॉपरली लिखना है। पहले वो ट्रेस किए गए नंबर वैसे ही हमें पहले ट्रेस करना है, और उसके बाद जहां डॉट्स किया है वहां पे टू लिखना है। लास्ट लाइन टू टू टू, हो गया टू हमारा। अभी हम एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, तो हमने 1 to 5 ऑर्डर करना सीखा, उसको रिकॉग्नाइज सीखा। एक बार बोलते हैं चलो फिर से, 1 2 3 4 5, हो गया। अब क्या लिखना सीखा हमने, 1 और 2। आप मैक्सिमम घर पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आई होप आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको 1 to 5 रिकॉग्नाइज करना आ जाए, ओरली बोलना भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो आज का आपका होमवर्क है। और 1 और 2 मैंने जो करवाया, 1 की प्रैक्टिस की हमने, और 2 जो मैं हमने सीखा उसको हम आप घर पे पेजेस में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू।